हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लिट्टी चोखा किस तरीके से लगता है। दोस्तों, काफ़ी दूर से प्लानिंग हो रहा था लिट्टी चोखा लगने के लिए, तो आज फाइनली लिट्टी चोखा लग रहा है। तो क्यों ना सोचा दोस्तों, आपको वीडियो बना कर दिखाया जाए और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा लिट्टी चोखा कैसे लगता है और उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, तब तक बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, जैसे देख पा रहे होंगे, ये हमारे सामने आटा रखा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से मुझे घुन लिया गया है। ठीक है, तो इधर देख पा रहे होंगे टमाटर है, बैंगन है और इधर नया आलू। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ठंडी के सीजन में नया आलू बहुत बहुत अच्छे तरीके से मिलता है और खाने में बहुत ही अच्छा तरीका लगता है। तो मैं आपको दिखाऊँगा किस तरीके से यहाँ पर लिट्टी चोखा लगता है। पहले ये आटा देख पा रहे हैं, करीबन इसमें से छोटे छोटे पीस गोले टाइप के बना करके करीबन 100 से 80 पीस बनाएंगे। ठीक, यहाँ पर पेपर बिछा के पहले उस पर रखेंगे, उसके बाद जहाँ पे ओले के आग होगा वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके डालेंगे। मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे आग लगा रहे हैं हमारे भैया हैं, तो इसी तरीके से आग लगा जाता है। और यहाँ पर हम लोग छत पे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी थर्ड फ्लोर पे हैं, तो इसी तरीके से आग लग रहा है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से प्लानिंग हो रहा था लिट्टी चोखा खाने के लिए, तो क्यों ना सोचा दोस्तों बनाया भी जाए और आप लोगों को दिखाया भी जाए किस तरीके से होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो ऊपरी के ओले हैं इसी तरीके से रखा जाता है। जब अच्छे तरीके से जब इसमें आग लग जाएंगे तब लग जाएगा, पहले तो जाएगा बैंगन टमाटर, ठीक, उसके बाद लिट्टी जो आटे गोल होते हैं वो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे जैसे ओले पर आग लग गया है, आग लगा चुके हैं भैया। तो आपको बता दूं दोस्तों, यही है देसी खाना, देसी जुगाड़ खाने के लिए बहुत, मैं आपको बता दूं ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है भाई। ठीक है, तो जैसे जैसे अभी आटे के ओले मतलब बनेंगे, गोले गोले पीस बनेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी आग लगा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसी तरीके से आटे का घुन ले करके गोला बना करके इसी तरीके से करीबन 100 से 80 पीस बनाते हैं। ठीक, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी तरीके से, और यहाँ पे बन भी रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख पा रहे होंगे भाई, बन भी रहा है, आग लग गया है। तो बट मैं आपको बता दूं, बहुत धुआं दे रहा है, ओले जो होते हैं इसी तरीके से धुआं देते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये खाना जो है बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, लिट्टी चोखा और दाल, ये कुकर तो बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, ये आप जो देख पा रहे होंगे ये आग लगाने के लिए है। ठीक, इसी तरीके से ये बांस पेपर हो गया, ठीक, ये पन्नी हो गया, इसी तरीके आग पहले लगाते हैं, पकड़वाते हैं। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल कि डायरेक्टली ओले पकड़ लेंगे, ठीक, पहले उसको चाहे मिट्टी तेल हो गया और चाहे पेट्रोल हो गया, इसी तरीके से पकड़ाते हैं। तो देख पा रहे हैं किस तरीके से आग लग गया है और इसी तरीके से पलटना पड़ता है, जो ऊपरी होते हैं और शुद्ध भाषा ये बोला जाता है ऊपरी। ठीक, ऊपरी पलट के बहुत अच्छे तरीके से, जब पूरे ऊपरी जो हैं जल जाते हैं तब इसमें आटे के जो गोले गोले हुए हैं अंदर रखते हैं। ठीक, बहुत ही मेहनत लगता है बनाने में। ये हमारे गांव का मस्जिद है, तो अभी गुंबद बन रहा है, ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये रहा। ठीक, इसी छत पे हम लोग हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूं, ये आग का दो भाग कर दिया गया है। ठीक है, एक आग में रख गया है बैंगन, ठीक, और एक आग में टमाटर और आलू। तो देख पा रहे हो, एक और आग और भी लग रहा है क्योंकि जल्दी से हो जाए। ठीक, इसमें रखेंगे लिट्टी, ठीक, जो आटे के घुने हुए हैं, ये देख पा रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, बहुत धुआं लग रहा है, तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से धुआँ उड़ रहा है। ये चिमटा है, ठीक, ये देख पा रहे हो जो हमारे सामने, ये चिमटा है, इसी तरीके से उठा उठा के इस पर रखते हैं, देख पा रहे होंगे जैसे रखा जा रहा है इस तरीके से। ठीक, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे आग को बहुत अच्छे तरीके से तोड़ दिया गया है, उसी के ऊपर यहाँ पे
आलू, बैंगन और टमाटर रखा गया है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक आँच पे दाल रखा गया है, अरहर का दाल, फ्राई दाल। ठीक, तो यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे यहाँ पे रखेंगे आटे का जो घुला हुआ लिट्टी है, यहीं पर रखा जाएगा इस आग में। तो मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा धुआं लग रहा है, तो बस मैं आपको बता दूँ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और शाम होने वाली है, 6 बजने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी आलू हो गया है और इसके ऊपर ओले के ऊपर रख आलू का गोल बनाकर बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है। तो इधर भी रखा गया है, ठीक है। और तीसरा आग लगने वाला है क्योंकि कम आग लगा था और वहाँ पे दाल फ्राई बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। भाई हमारे साथ शुक्ला भी हैं जो कि ये इन्वाइटेड है, तो आप देख पा रहे होंगे ये रहे। और हमें इसरार भाई भी हैं साथ में, ये रहे। धुआं लग रहा है, क्या करें। मैं आपको बता दूं बहुत ही टेस्टी खाना होता है ये सब, ये देसी खाना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देख पा रहे पीछे ये बैंगन, बैंगन और टमाटर बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। इसको छील करके चोखे में डालकर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स में डाल मिक्स करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इधर जैसे धीरे धीरे हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, मैं आपको बता दूं दोस्तों। बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, बट मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों जैसे ही बन जाता है मैं आपको दिखाऊंगा कि चोखा किस तरीके से बनाते हैं, तब तक बने रहिए मेरे साथ मेरे इस वीडियो में।